ही के दिनों में टाटा मोटर्स द्वारा एक बड़ी बात चर्चा में है कि ये अपनी पुरानी कार नैनो का इलेक्ट्रिक वर्जन मार्केट में लेकर आने वाली है। तो अगर आप एक सस्ती और किफायती इलेक्ट्रिक कार के इंतजार में हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि टाटा की नई इलेक्ट्रिक कार नैनो जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीज 42 में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाटा नैनो इलेक्ट्रिक ईवी के बारे में, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाली है और जिसका प्राइस अंडर 5 लाख रुपीज है। तो जैसे ही टाटा मोटर्स द्वारा एक बड़ी बात चर्चा में आई कि ये नई इलेक्ट्रिक नैनो कार लॉन्च होने वाली है, इसके साथ साथ एक पोस्ट सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें टाटा मोटर्स के जो एक्स चेयरमैन रतन टाटा हैं, वो एक नई इलेक्ट्रिक हैचबैक के साथ नजर आ रहे हैं, जो कि माना जा रहा है कि नैनो का इलेक्ट्रिक वर्जन ही है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। ये नई कार रतन टाटा को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी जिसका नाम है इलेक्ट्रा इवा ने गिफ्ट की है। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रा इवा क्या है। इलेक्ट्रा इवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पावर ट्रेन बनाने वाली एक कंपनी है और इस कंपनी के फाउंडर खुद रतन टाटा ही है। देखिए, अभी नैनो का डेमो मॉडल सामने आया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इसी कंपनी ने की है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कार मार्केट में इलेक्ट्रा इवा के नाम से भी आ सकती है। अभी तक नैनो की लॉन्च डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि मार्केट में 2023 तक इसके मॉडल को लाया जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2023 तक नैनो ईवी पूरी तरह से इंडियन मार्केट में एंटर कर देगी। अभी से मार्केट में नैनो की डिमांड काफी बढ़ चुकी है, तो कंपनी हो सकता है कि इसकी अर्ली मैन्युफैक्चरिंग भी कर दे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या टाटा मोटर्स कस्टमर्स की एक्सेप्टेंस पर खरा उतर पाते हैं। देखिए, जब टाटा नैनो पेट्रोल में लॉन्च हुई थी तो इंडिया में इसको सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कार माना गया था, लेकिन इसकी सेल्स लोगों की थिंकिंग की वजह से कम हो गई और फाइनली 2018 में इस टाटा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। रीजन इसका यही था कि गवर्नमेंट ने सेफ्टी नॉर्म्स को काफी स्ट्रिक्ट किया था, तो उस वजह से टाटा ने इसे खुद से ही डिसकंटिन्यू पूरी तरह से कर दिया था। जब टाटा नैनो ईवी लॉन्च होगी तो हो सकता है कि इंडिया की ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग ईवी हो जाए, क्योंकि ये कार बहुत कॉम्पैक्ट है और चलाना इसे बहुत इजी है, स्पेशली सिटीज के अंदर। अगर इसके हम लुक की बात करते हैं तो ये लुक वाइज कार काफी अच्छी है, मतलब लोग काफी अट्रैक्ट होंगे इस कार को देखकर। कुछ फीचर्स तो इसके पुराने नैनो जैसे ही हैं, बट मॉडर्न टच के साथ इसके पुराने फीचर्स को ऐड किया है, जैसे कि LED DRL विद हेडलाइट, रिवाइज्ड बम्पर, इसकी ओवरऑल शेप को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, मॉडर्न टच दिया है। इसका स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है विद सेफ्टी फीचर्स के साथ। इसके इंटीरियर के बारे में अभी ज्यादा नहीं पता चला है, बट र्यूमर्स के अकॉर्डिंग इंटीरियर इसका काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करें अगर हम इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो इसका जो एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस है वो 4.5 लाख के आसपास है। बात करें इसके फीचर्स की, तो टाटा नैनो ईवी के फीचर्स जो हैं वो टाटा टियागो के जैसे ही हैं। वेरिएंट वाइज फीचर्स इसके अवेलेबल होंगे। 7.0 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद नेविगेशन सिस्टम, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, IRA कनेक्टिविटी टेक, ड्राइविंग मोड, वायरलेस चार्जर, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले सपोर्ट, बॉटम फ्लैट स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, LED DRS विद प्रोजेक्टर हेड लैंप्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 2 फ्रंट एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं और काफी सारे इसमें और भी ऐड किए गए हैं। टाटा के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है उसकी मोटर और बैटरी। अगर इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो 28 किलोवाट आर की इसकी बैटरी है, 220 की वोल्टेज, और इसके मोटर टाइप की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है इसकी, जिसकी मैक्स पावर 33 PS है, 85 Nm का ये टॉर्क जनरेट करेगी। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 85 km/h की इसकी टॉप स्पीड है, 2497 mm की लेंथ, 1526 mm की विड्थ और 1617 mm की हाइट के साथ, 1600 mm की व्हील बेस, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, 990 kg का कब वेट, और इसका व्हील साइज जो है वो 15 इंच का है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट विद ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा, रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्ट सिस्टम। उसके साथ साथ अगर हम इसके कलर्स की बात करें, तो ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये 5 कलर्स में अवेलेबल होगी, मैटे ग्रे, येलो, व्हाइट, स्काई ब्लू, लीफ ग्रीन। और फाइनली अगर हम इसके राइवल्स की बात करते हैं, तो महिंद्रा A2O प्लस, स्ट्रॉम R3, किया सोल ईवी जो कि आने वाली है, मारुति सुजुकी वैगनार ईवी और R1 जो कि आने वाली है, ये सारे इसके राइवल्स होंगे।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको टाटा नैनो ईवी के फीचर्स वगैरह कैसे लगे जो कि अभी हमने आपके साथ वीडियो में शेयर किए हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो, तो प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। और रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।